सेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी रश्मि ताई ठाकरे जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, डंके की चोट पर अपनी बात को कहने वाले सामना अखबार के कार्यकारी संपादक, शिवसेना के नेता और सांसद संजय जी राउत का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऑफ कोर्स द मैन, द फोर्स बिहाइंड दिस ग्रेट फिल्म। स्वागत करना चाहूंगी हुनर की खान दोस्तों, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रतिभावान अधिक अदाकारा दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए अमृता राव जी के लिए भी। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत भासी साहब का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारे जी का। तो थोड़ी जोर शोर से तालियां हो जाए। और सभी हमारे यहाँ जो मीडिया पर्सन्स हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देवियों और सज्जनों, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, नाम सुनते ही एक सन्नाटा सा छा जाता था। जी हाँ, ये उनकी आवाज़ का दमखम था कि उनके आने की सिर्फ भनक, उनके आने की सिर्फ एक आहट, और कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए हमारा दिल थम सा जाता था। बाला साहेब जी की जब एंट्री होती थी ना, तो तालियों की जो गर्जना होती थी, ऐसी गर्जना शायद बादलों की गर्जना उससे उसकी तुलना की जा सकती है। या फिर ये कहा जाता है कि बादलों की तुलना दोस्तों, बादलों की जो गर्जना है वो भी कहीं ना कहीं पानी कम चाय लगती थी। तो शायद ये वो एंट्री थी जो हम सबको याद रहती है। दोस्तों, उनकी एंट्री के दौरान जो नारे लगते थे उसमें सबसे यादगार जो नारा था, तो मैं आप सभी का इसमें साथ चाहूंगी, कोण आला रे कोण आला। थोड़ी सी वो दमखम यहां भी होना चाहिए, कोण आला रे कोण आला। जी हाँ, यही वो नारा है जो कहीं ना कहीं आज भी हम सभी के जहन में गूंजता है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं। जी हाँ, उस गर्जना को एक बार फिर आप सभी सुनेंगे इस रूपले पर्दे पर, जिसके लिए हम सभी आतुर हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बालाजी थे दोस्तों, तो ऐसा लगता था कि हमारे असली पिता के साथ कहीं ना कहीं एक और पिता हमारे पीछे खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक माँ की ममता हमारे साथ चल रही है। और उनके जाने के बाद एक सूनापन सा फैल गया। शायद दुनिया की कोई भी ताकत इस खालीपन को अब भर नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं उनके जो असूल हैं, उनकी जो निर्भयता है, हमारे जीवन में, हमारे दिलों में घर कर चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जी हाँ, उनके जीवन के कुछ बहुत ही खूबसूरत अंतरंग पल को ये फिल्म दर्शाती है। और इस फिल्म में, इसके अलावा इस फिल्म के पिटारे में क्या क्या है, हम सब इस सब को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो दोस्तों, बाला साहेब के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है हम सभी में। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, जी हाँ, रियल लाइफ में उनको उतारने के लिए, और रियल लाइफ में जो हमेशा उनके साथ रहे, उनके समक्ष रहे, आज वो सब यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो चलिए पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारे साहब को। बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि आनी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, पहले वो फिल्म और अब बाला साहेब के जीवन शैली पर ठाकरे ये फिल्म, आखिर इन सब की वजह क्या है, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सबका स्वागत और खासकर श्री उद्धव ठाकरे जी का स्वागत जो सपरिवार यहाँ पधारे हैं और इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, या ये कहा जाए कि इन लोगों ने हमें इस कार्य में सम्मिलित किया है, क्योंकि ये जो सब मेहनत है संजय जी की है, अभिजीत जो हमारे कलाकार, नवाज, अमृता, सभी लोगों की मेहनत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस सफ़र में, इस प्रवास में जुड़ गए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि वाईकॉम के लिए ये जो फिल्म है, ये दो लैंग्वेजेस में पहली बार एक साथ रिलीज होगी। हमने ये पहले कभी नहीं किया है। तो ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों में एक वक्त सिनेमाघरों में देखी जाएगी।
तो ये बड़ी एक अच्छी बात है हमारे लिए, यूनिक बात है। दूसरी बात ये कि ये हमारे स्टूडियो के लिए 75th फिल्म है, 75वीं फिल्म, और हमारी 10वीं मराठी फिल्म। तो इन दो माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग सब्जेक्ट शायद ही हमें मिलता। तो थैंक यू सो मच फॉर फॉर पार्टनरिंग विद अस। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू कार्निवल, श्रीकांत इज हियर, सुनील इज हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच। फिल्म इज अ वेरी बिग टीम वर्क, इट्स अ वेरी बिग टीम प्ले, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉट वी हैव हियर। ऑफकोर्स देर इज अ बिग जर्नी विद नवाज दैट वी हैव हैड, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट आर जर्नी इन मराठी, काशीनाथ घाणेकर। नाउ व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ मराठी फिल्म्स, वी सेड वी शुड ब्रिंग आउट कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटीज विच वी ऑल सेलिब्रेट डेली। सो वाई डू वी गो एंड लुक फॉर फिक्शन स्टोरीज एंड न्यू स्टोरीज वेन देर आर सच सिनेमैटिक कैरेक्टर्स दैट एग्जिस्ट एंड सच स्टोरीज दैट ऑलरेडी आर देयर, यू नो। बट डूइंग दिस फिल्म इज ऑल्सो अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एज यू सेड, यू यूज द वर्ड, यू नो, चानी चाय में पानी कम, यू नो, विद बाला साहब ठाकरे, एनीथिंग दैट यू डू, द स्टैंडर्ड्स आर सो हाई, द बार इज सो हाई दैट it's almost embarrassing that you are going on this venture. So I would really want to compliment Nawaz, who has dared to, you know, roar like the tiger here, and I think it's a very ambitious venture for us, and we are so looking forward to it. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, sir. Requested, please kindly take your seats. So ladies and gentlemen, thodi zordar taaliyan ho jaye, and bahut hi insightful ye beginning rahi hai. Aur chaliye isi ke sath, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाँ, द मैन द फोर्स बिहाइंड इस प्रोजेक्ट पे, दोस्तों आप सभी की तालियां चाहूंगी। और हम सब जानते हैं कि ना ही वो सिर्फ एक शिवसेना के नेता हैं, लेकिन बाला साहेब जी के बहुत ही करीब रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के बीच, लेट्स हियर इट फॉर श्री संजय राउत जी। तो जोरदार तालियाँ हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, बोलिए। तो आपसे तो जितना भी कुछ पूछा जाए शायद वो कम होगा, क्योंकि जिस तरीके का आपका एक अटूट रिश्ता रहा है बाला साहेब ठाकरे जी के साथ। लेकिन मैं कम बोलता हूँ इस बारे में, चलिए हमेशा मेरे मन में रखता हूँ। आज थोड़ा सा कुछ आपसे सुन लिया जाए। बताइए कि क्या विजन रहा है आपका इस फिल्म के पीछे। देखिए, बाला साहेब ठाकरे जैसी महान व्यक्ति इतिहास में बार बार पैदा नहीं होती। जिसे हम अमर कहते हैं, वो अमरत्व बाला साहब के पास ही रहा हमेशा, आज भी है। और जब मैं उनके साथ जब देखता हूँ कि मेरा उनके साथ जो प्रवास रहा वो बहुत ही रोमांचक रहा। बाला साहब में एक ऐसी शक्ति थी कि उनके आसपास आने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना देते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके साथ है, वो शूर बना देते, उनको वीर बना देते, उसको असामान्य बना देते। कि मैं बाला साहब के साथ काम करता हूँ या उनके साथ मेरा रिश्ता है, उसका मतलब है आप असामान्य हैं। तो बहुत से सामान्य व्यक्तियों को असामान्य बनाने की ताकत हमेशा बाला साहब में रही, वो मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। एक शक्ति थी वो आज भी वो शक्ति हमारे साथ है।